यानी जितनी भी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा या सुना है वो सभी नदियों के पास बसती थी, क्योंकि नदी का जल उपजाऊ और पीने योग्य होता है। भारत में 10 मुख्य नदियाँ बहती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, यमुना, कावेरी, ताप्ती और महानदी। यही कारण है कि भारत में कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। सभी नदियों में गंगा का स्थान श्रेष्ठ है, क्योंकि इसको हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा जल को मुख्यतः धार्मिक क्रियाओं में प्रयोग में लाया जाता है। गंगा जल की बूंद मात्र स्पर्श से वस्तु पवित्र हो जाती है। जन साधारण में ऐसी मान्यता है कि गंगा जल की एक बूंद को किसी साधारण पानी में भी मिला दिया जाए तो वो उतना ही पवित्र हो जाता है। गंगा जल में आत्मा तक को शुद्ध कर देने की शक्ति है। संसार में अलग अलग जगह से लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए गंगा के तट पर आते हैं, क्योंकि गंगा में विसर्जन के बाद उनके पूर्वजों को देवलोक में स्थान प्राप्त होता है। पिंड तर्पण और श्राद्ध जैसी विधियों में भी गंगा का जल ही प्रयोग में लाया जाता है। गंगा जल को किसी भी बर्तन में संग्रहित करके रखा जाए तो वो वर्षों तक खराब नहीं होता। इसका कारण गंगा जल में मिली हुई हिमालय पर्वत की जड़ी बूटियां हैं। 12 वर्षों में एक बार लगने वाला महाकुंभ मेला भी गंगा के तट पर ही लगता है। महाकुंभ का ये मेला 12 वर्षों में एक बार आता है। गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से 2140 मीटर की ऊंचाई पर है। ये उत्तरकाशी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान है। ये मंदिर प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक एवं विद्या संबंधी कारणों से सुप्रसिद्ध रहा है। इस मंदिर के गर्भ में स्थापित माता गंगा की स्वर्ण प्रतिमा भक्तों को मोह लेती है। चारों तरफ से हरियाली से भरी सुंदर घाटियों से घिरा ये मंदिर एक विशाल काय गृह वाटिका के बीच बना हुआ है और बहुत से पीले रंग की पताकाओं से सुशोभित है। गोरखा जनरल श्री अमर सिंह थापा जी ने 21वीं शताब्दी में इसका आधार निर्माण कराया था। तब भागीरथी के तट और गंगोत्री के सबसे निकट होने के कारण इस मंदिर का नाम गंगोत्री मंदिर पड़ा। ये मंदिर भागीरथी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। आज भी हजारों लाखों की तादाद में यहाँ आने वाले भक्त एवं पर्यटक माता गंगा के अवतरण की कहानी को खूब रोमांच से सुनते व सुनाते हैं। साथ ही इस दुर्गम स्थल पर ऐसे विशाल भवन निर्माण को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मूर्तिकला के माध्यम से इस मनोरम दृश्य को शिल्पकारों ने सजाया है। गंगोत्री का ये मंदिर हर 6 महीने के अंतर में खुलता व बंद होता है। शरद ऋतु में भारी बर्फबारी के कारण माता की मूरत को मुखपा गांव में ले जाया जाता है, जहां भक्तगण 6 महीने तक माता के दर्शन कर धूमधाम से उनकी विधिवत पूजा करते हैं। मुखपा गांव को माता का शीतकालीन घर भी कहा जाता है। ये गंगोत्री धाम से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगोत्री मंदिर के अतिरिक्त गंगोत्री धाम में गंगा घाट की छटा दर्शनीय है। गंगा घाट पर गंगा की धारा के बहने की ध्वनि साफ सुनाई देती है। भक्त यहाँ स्नान कर गंगा मैया के दर्शन करने गंगोत्री मंदिर में जाते हैं। हर वर्ष लाखों लोग गंगा घाट आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। भारतवर्ष की पवित्रतम नदी गंगा के संदर्भ में मान्यता है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप, रोग, दोष नष्ट हो जाते हैं। बहुत से भक्त तो इसी को अपना अंतिम तीर्थ बनाने की इच्छा रखते हैं। पंचामृतों में एक माने गए इसके जल की महत्ता इतनी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में गंगा जल आवश्यक है। इसके बिना हर पूजा अधूरी है। गंगा का जल ग्रहण करने, इसमें डुबकी लगाने, गंगा का नाम लेने या केवल मन स्मरण करने मात्र से चित्त और काया पवित्र हो जाती है। फिर चाहे स्मरण करने वाला कितनी ही दूर क्यों ना हो, माना जाता है इसके जल को ग्रहण करने से 7 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, गंगा समान कोई तीरथ नहीं और केशव समान कोई देव। गंगा तीर को छूने वाला ये भारतवर्ष धन्य है।
और धन्य है यहाँ के लोग। हिंदू धर्म में माता का स्थान रखने वाली इन्हीं गंगा मैया की आराधना के लिए हम गंगा स्तोत्रम का जाप करेंगे, जिसके प्रताप से मन निर्मल हो जाता है और माता की विशेष कृपा होती है। तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले भागीरथि सुखदायिनी माता तव जल महिमा निगमे ख्याता।